शाहरुख खान की ये 10 फिल्में करेंगी 1000 करोड़ की कमाई। टूटेगा पठान का रिकॉर्ड। शाहरुख खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगी धमाल। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म पठान को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। शाहरुख खान की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी मोटी कमाई की है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिनके साथ शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस पर हिलाने वाले हैं। इस लिस्ट में टाइगर 3 से लेकर जवान फिल्म तक का नाम शामिल है। तो चलिए देखते हैं ये लिस्ट। डोंकी टिंकी। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी शाहरुख खान को लेकर फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म का नाम डोंकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान की ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली है। टाइगर 3 कैटरीना कैफ और सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में शाहरुख खान कैमियो करने वाले हैं। पठान के बाद शाहरुख और सलमान फिर साथ नजर आने वाले हैं। हे राम रीमेक। हे राम के जाने माने स्टार कमल हासन ने बताया था कि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने हे राम के राइट्स खरीदे हैं, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म को लेकर अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है। ऑपरेशन खुकरी। ऑपरेशन खुकरी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर शाहरुख खान ऑपरेशन खुकरी पर आधारित एक फिल्म में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान इस फिल्म में सैनिक के रोल में नजर आएंगे। सल्यूट सल्यूट। शाहरुख खान राकेश शर्मा की बायोपिक की में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान ने इस फिल्म में काम करने के मना कर दिया था, जिसके बाद से शाहरुख का नाम चर्चा में है। इजहार इजार। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शाहरुख जाने माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म इजहार का में नजर आ सकते हैं, लेकिन इसको लेकर अपडेट्स आने बाकी हैं। शाहरुख सलमान फिल्म शाहरुख खान सलमान खान मूवी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरफ स्पाई यूनिवर्स में शाहरुख खान और सलमान खान की जोड़ी एक बार फिर साथ दिखाई देगी। इस फिल्म में पठान और टाइगर एक दूसरे के खिलाफ नजर आने वाले हैं। शिमित अमीन की अगली फिल्म शिमित अमीन नेक्स्ट फिल्म। शाहरुख खान के साथ फिल्म चक दे इंडिया बनाने वाले डायरेक्टर शिमित फिर किंग खान के साथ काम करने वाले हैं। इस बार वो एक रोमांटिक फिल्म बनाने वाले हैं। जवान जवान। शाहरुख खान और नयनतारा की फिल्म जवान भी इन दिनों काफी चर्चा में है। शाहरुख खान की ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होने वाली है। राहुल ढोलकिया की नेक्स्ट मूवी राहुल ढोलकिया नेक्स्ट। राहुल ढोलकिया ने शाहरुख खान को लेकर फिल्म रईस बनाई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। अब इसके बाद राहुल ढोलकिया शाहरुख खान को लेकर फाइटर तुकाराम पर आधारित एक बनाने वाले हैं।